आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन वायदा बाजार में सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तरों से खरीदारी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल यानी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोयाबीन 6800 के ऊपर निकली थी, वहीं आज मंगलवार के दिन दिसंबर वायदा में सोयाबीन 6520 पर कारोबार करती दिखाई दी है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है, जिसका असर कमोडिटी की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया और हमने कमोडिटी बाजार को लाल निशान पर भी कारोबार करते देखा था। अभी वायदा में उन कारोबारियों ने मुनाफा वसूली की है जिनको इससे पहले मुनाफा कमाने का मौका नहीं मिला था। वहीं हाजिर में कीमतें ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं और प्लांटों के पास सोयाबीन का स्टॉक थोड़ा भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए जो प्लांट हैं वो सोयाबीन की ऊंची कीमतों पर भी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं जानकारों के अनुसार सोयाबीन में आगे तेजी का ही रुझान है। किसानों को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हालात को देखकर ही अपना निर्णय लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।